बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने इफ सिलेक्शन स्ट्रक्चर की डिटेल्स आपसे शेयर की थी। आज के लेक्चर में हम इफ एल्स स्ट्रक्चर को डिटेल में डिस्कस करेंगे। और डियर फ्रेंड्स, इफ में हमने देखा था कि जब आपकी कंडीशन ट्रू होती है तभी इफ के ब्लॉक में मौजूद स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी, और अगर इफ की कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो फिर इफ के ब्लॉक में मौजूद कंडीशन एग्जीक्यूट ही नहीं होती, कंपाइलर उन्हें स्किप कर देता है। जबकि इफ एल्स सिलेक्शन स्ट्रक्चर थोड़ा अलग होता है और यहाँ इफ के साथ साथ एल्स को भी यूज किया जाता है। अब दोस्तों, अगर इफ की कंडीशन ट्रू होगी तब इफ का ब्लॉक चलेगा, लेकिन अगर इफ की कंडीशन फॉल्स होगी तो इफ का ब्लॉक स्किप हो जाएगा और फिर एल्स का ब्लॉक में रखी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी। और ये जो कर्ली ब्रेसेस इफ के बाद लगे हैं ये पूरा इफ का ब्लॉक कहलाएगा, और ये जो कर्ली ब्रेसेस else के बाद लगे हैं ये पूरा else का ब्लॉक कहलाएगा। अब आइए दोस्तों देखते हैं कि ये काम किस तरह करता है। दोस्तों अब यहाँ कंडीशन चेक होगी कि अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो if के ब्लॉक की स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो जाएंगी और कंपाइलर else के पास जाएगा ही नहीं, यानी अब ये else में रखी स्टेटमेंट्स को स्किप कर देगा। लेकिन अगर if की कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो कंपाइलर डायरेक्टली एल्स के ब्लॉक पर जंप करेगा, एल्स के ब्लॉक में रखी स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करेगा और इफ के ब्लॉक में रखी स्टेटमेंट्स को स्किप कर देगा। अब दोस्तों आइए इसका फ्लो चार्ट देखते हैं। दोस्तों यह है कंडीशन, इफ की कंडीशन। अगर ये इफ की कंडीशन ट्रू होगी तो इफ के ब्लॉक के अंदर जो भी स्टेटमेंट्स होंगी ये उसको एग्जीक्यूट करेगा, लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो फिर एल्स में रखी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी। अब डियर फ्रेंड्स आइए इस इफ एल्स को प्रोग्रामेटिकली देखते हैं और देखते हैं कि किस तरह यूजर एक नंबर इनपुट करेगा और इफ एल्स के थ्रू आपको बताना है कि आया वो नंबर पॉजिटिव नंबर है या फिर नेगेटिव नंबर है। दोस्तों अब हम यहाँ पर एक नंबर इनपुट लेंगे जो कि इंटीजर टाइप का होगा। हमने यहाँ लिख दिया इंट नंबर और इसके बाद हम एंटर करेंगे, क्योंकि हम यूजर से इनपुट ले रहे हैं तो हमने यहाँ पर लिख दिया प्रिंट एफ एंटर एनी नंबर। हमने लिख दिया एंटर एनी नंबर। इसके बाद दोस्तों आप स्कैनएफ की स्टेटमेंट लगाएंगे, क्योंकि यूजर से इनपुट लेने के लिए हम स्कैनएफ को लेते हैं, क्योंकि हम कोई नंबर इनपुट ले रहे हैं तो यहाँ पर हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर %d को यूज किया है, और जिस वेरिएबल के अंदर हमें इनपुट करदा वैल्यू स्टोर करवानी है यहाँ पर हम उस वेरिएबल का एड्रेस दे देंगे। उस वेरिएबल का एड्रेस है num। अब दोस्तों यहाँ पर हम इफ और एल्स की कंडीशन लगाएंगे। याद रखिए हम इफ एल्स की कंडीशन तभी लगाएंगे जब हमारे पास दो अल्टरनेटिव मौजूद होंगे और उन दो अल्टरनेटिव में से कि हमें किसी एक अल्टरनेटिव को सिलेक्ट करना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इफ नंबर इज ग्रेटर देन जीरो, यानी अगर आपका इनपुट करदा नंबर जीरो से बड़ा है तो यकीनन वो एक पॉजिटिव नंबर होगा। तो ये प्रिंट कर दे कि नंबर इज पॉजिटिव, लेकिन अगर आपका नंबर जीरो से बड़ा नहीं है तो फिर ये एल्स के पार्ट में आ जाएगा, यानी एल्स में आ जाएगा और एल्स के ब्लॉक में हम प्रिंट करवा देंगे नंबर इज नेगेटिव। यानी अगर आपका नंबर जीरो से बड़ा है तो वो पॉजिटिव होगा, लेकिन अगर जीरो से छोटा है तो वो नेगेटिव नंबर होगा। और अगर दोस्तों आप ये गौर करें तो हमने एल्स में कोई कंडीशन नहीं लगाई, क्योंकि याद रखिए अगर एक ऑल्टरनेटिव फॉल्स हो जाता है तो ऑटोमेटिकली जो हमारे पास दूसरा ऑप्शन होगा, दूसरा ऑल्टरनेटिव होगा, वो ही रन होगा। तो एल्स में हम कभी भी कंडीशन नहीं लगाते, कंडीशन आप हमेशा इफ में लगाते हैं। अगर वो कंडीशन फॉल्स होती है तो फिर एल्स का पार्ट चलता है। तो हम यहाँ पर प्रिंट करवा देंगे नंबर इज नेगेटिव। दोस्तों अब हमने ये पूरा प्रोग्राम लिख दिया, लेकिन यहाँ पर कुछ चीजें काबिले गौर हैं जो कि आपको इफ एल्स के स्ट्रक्चर को लिखते वक्त जहन नशीन कर लेनी है। तो वो जो पहला आपका रूल है इफ एल्स को लिखने का, वो ये है कि इफ के आगे आपको हमेशा कंडीशन लगानी है, लेकिन एल्स के आगे हम कभी भी कंडीशन नहीं लगाएंगे। इसके बाद अगर आप इसके आगे कंडीशन लगाएंगे तो उसके बाद आपको आखिर में टर्मिनेटर नहीं लगाना, सेमीकोलन नहीं लगाना। अगर आप ऐसा कर देंगे तो फिर आपका कंपाइलर एरर तो नहीं देगा, लेकिन दोस्तों वो आपकी स्टेटमेंट को यहीं टर्मिनेट कर देगा। आप जानते हैं कि किसी भी स्टेटमेंट को टर्मिनेट करवाने के लिए हम इस तरह का सेमीकोलन लगाते हैं, टर्मिनेटर लगाते हैं, तो फिर ये इस इफ के ब्लॉक के अंदर नहीं जाएगा। तो इसीलिए हम यहाँ पर इफ के कंडीशन के आगे किसी किस्म का कोई टर्मिनेटर नहीं लगाते।
इसके अलावा दोस्तों आप यहाँ पर देखिए तो हमने इफ के बाद कर्ली ब्रेसेस लगाए, लेकिन अगर आप यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस नहीं भी लगाते तब भी आपका इफ का स्टेटमेंट चलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर आपके इफ के ब्लॉक में सिर्फ और सिर्फ एक स्टेटमेंट है तो आपको कर्ली ब्रेसेस लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर इफ के ब्लॉक में या फिर एल्स के ब्लॉक में मल्टीपल स्टेटमेंट्स होंगी तो फिर हमें, तो अगर आप यहाँ पर मल्टीपल स्टेटमेंट लिखते हैं तब आपको कर्ली ब्रेसेस लगाने की जरूरत है, लेकिन अगर आप सिंगल स्टेटमेंट लिखते हैं और आप कर्ली ब्रेसेस हटा भी देते हैं तब भी आपका कंपाइलर किसी किस्म का कोई एरर जनरेट नहीं करेगा। और ये देखिए दोस्तों यहाँ पर ये हम इसको रन करते हैं और यहाँ पर कंपाइलर ने कोई एरर जनरेट नहीं किया है। अब दोस्तों अगर हम यहाँ पर मल्टीपल स्टेटमेंट लिख देते हैं, मिसाल के तौर पर हम यहाँ पर लिख देते हैं एक और स्टेटमेंट प्रिंट एफ नंबर इज Not zero. तो हमने यहाँ पर if के बाद मजीद स्टेटमेंट लिख दी है और यहाँ पर हमने curly brackets भी नहीं लगाए। अब अगर हम इसको कंपाइल करते हैं तो आप देख सकते हैं कि आपके कंपाइलर ने, तो दोस्तों इसीलिए अच्छी प्रैक्टिस ये है कि चाहे आप सिंगल स्टेटमेंट लिखें या मल्टीपल स्टेटमेंट लिखें तो आप curly brackets लगा दें, लेकिन सिंगल स्टेटमेंट अगर if के बाद आप लिखते हैं तो फिर आपका कंपाइलर ऑटोमेटिकली ये समझ जाएगा, अगर आप कर्ली ब्रैकेट्स नहीं भी लगाते तो कंपाइलर ऑटोमेटिकली ये समझ जाएगा कि आपकी ये जो स्टेटमेंट है ये इफ के ब्लॉक में ही कंसीडर की जाएगी। तो इसीलिए दोस्तों सिंगल स्टेटमेंट में आप कर्ली ब्रैकेट्स नहीं लगाएंगे और अगर मल्टीपल स्टेटमेंट्स लिखेंगे तो आप कर्ली ब्रैकेट्स लगाएंगे। इसके अलावा डियर फ्रेंड्स हमने पिछले लेक्चर में भी देखा था कि इफ अकेला आ सकता है, यानी आप यहाँ पर इस तरह से लिख सकते हैं कि आपने इफ की स्टेटमेंट लिखी, उसके बाद आपने कंडीशन लगाई और जो भी स्टेटमेंट आपने एग्जीक्यूट करनी है वो लिख दी। एल्स लिखना आपके लिए जरूरी नहीं था, लेकिन आप एल्स को अकेला नहीं लिख सकते, यानी इफ तो अकेला आ सकता है लेकिन एल्स हमेशा इफ के साथ ही आएगा। तो डियर फ्रेंड्स ये कुछ रूल्स थे जो कि इफ का स्ट्रक्चर बनाते वक्त आपको जहन में रखना है कि इफ की कंडीशन के आगे आपको कोई टर्मिनेटर नहीं लगाना। अगर डबल मल्टीपल स्टेटमेंट्स आप इफ या एल्स के ब्लॉक में यूज कर रहे हैं तो आपको कर्ली ब्रैकेट्स लगाना जरूरी है। एल्स के ब्लॉक के आगे आपको किसी किस्म की कोई कंडीशन नहीं लगानी। इफ अकेला आ सकता है लेकिन एल्स हमेशा इफ के साथ ही आएगा। अब आइए दोस्तों इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। यहाँ पर हमने एक नंबर इनपुट किया है 7 और ये देखिए दोस्तों यहाँ पर इसने प्रिंट करवा दिया नंबर इज पॉजिटिव। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर कोई नेगेटिव नंबर देते हैं, मिसाल के तौर पर हम यहाँ पर लिखते हैं -1, तो इसने यहाँ पर प्रिंट करवा दिया नंबर इज नेगेटिव। तो याद रखिए दोस्तों आप इफ एल्स कब यूज करेंगे, जब कभी भी आपके पास दो ऑप्शंस मौजूद होंगे और उन दो ऑप्शंस में से आपको कोई सिंगल ऑप्शन सिलेक्ट करना है तो तब आप इफ एल्स स्ट्रक्चर को यूज करेंगे। दोस्तों यहाँ हमारे इफ एल्स कंट्रोल स्ट्रक्चर का इख्तिताम हुआ। अगले लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एक और कंट्रोल स्ट्रक्चर नेस्टेड इफ एल्स। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।